अगर ये बाइक चोरी होने का खतरा या जो है अगर कोई लेके गया और ये जो है मैप पे गुम हो गया बंदा, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? नहीं मैम, ऐसा कभी भी कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारे पास हर बाइक की जो है करंट लाइव लोकेशन चल रही होती है। इफ बाइक की क्लॉक, हमें पता होता है कि हमारा बाइक इस जगह के ऊपर, इस सेक्टर के अंदर, इस घर के सामने खड़ा हुआ है। टुडे पाकिस्तान के साथ मैं हूं मारी अकबर। नाजीन, आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके आई हूं और ऐसी जो है नई टेक्नोलॉजी से मिलाने लगी, पाकिस्तान की फर्स्ट इलेक्ट्रिक जो है बाइक शेयरिंग ऐप लॉन्च की है इज इजी बाइक ने। और आज हम आए हैं कि किस तरह से ये एप्लीकेशन काम करती है और इनके जो यहाँ पे वर्कर्स मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि कैसे ये बाइक काम करती है। ये अभी करंटली जो है G9 के सेक्टर और G8 के सेक्टर में लॉन्च इन्होंने किया है और इनका इरादा है कि आने वाले दिनों में, मंथ्स में 1 लाख बाइक लॉन्च करेंगे इस्लामाबाद रावलपिंडी में, जहाँ पे स्पेशली खवातीन के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि वो यहाँ पे मेट्रो से उतरने के बाद आसानी से सफर कर सके। और ये बाइक जो है हमारे कैमरामैन जिशान आपको दिखा देगा कि किस तरह से ये बाइक छोटी सी जो है आप देख सकते हैं कि बाईसाइकिल की तरह से बाइक है, बट स्कूटर हम नहीं कह सकते, स्कूटर और बाईसाइकिल का मिक्सचर है। बट ये कैसे काम करता है ये भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपने जो है मोबाइल में प्ले स्टोर से और iTunes से जो है अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी इस बाइक की। ऐसे जो है ये एप्लीकेशन आपकी ओपन होगी, ठीक है। हमने इस बाइक की लोकेशन सर्च करते हुए हम आए हैं और अभी ये G9 जो है कश्मीर हाईवे के मेट्रो के साथ ये मौजूद है। जो रेड बाइक है वो दिखा रहा है कि ये बाइक अवेलेबल है। हमने इस पर क्लिक किया तो ये बता रहा है कि अच्छा ये बाइक नंबर 509 अवेलेबल है, 509 वो रहा जी, ये हमने 509 हमने बाइक देखी और हम अब करते हैं इसको बुक नाउ, राइट। You can take a ride up to, ये बता रहा है कि 19 मिनट तक के हम राइड ले सकते हैं। हमने इसको ओके किया और अब वो बता रहा है कि कैसे बाइक को अनलॉक करना है, तो हम ये बाइक को अनलॉक करते हैं। ये मैंने अपने से एक पिन नंबर रख लिया है। अब हम देखते हैं कि हमने बाइक को अनलॉक करना है, तो हम इसको इस तरह से स्कैन करेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास बाइक हो गई स्कैन और अब जो है हमारे पास स्टार्ट आगे कि हमने बाइक जो है अपना हम राइड ले सकते हैं। तो अगर आपने राइड को पॉज करना है तो हम यहाँ पॉज का बटन दबाएंगे और जब एंड करना है तो हम राइड को एंड कर सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ मुबीन मौजूद हैं जो कि इस बाइक को रिप्रेजेंट करें। हमें मुबीन बताइएगा कि कब आप लोगों ने लॉन्च किया और कैसे ख्याल आया कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल बाइक होनी चाहिए। मैम, इसको लॉन्च हुए अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज हो गए, 15 डेज बैक हमने इस चीज को लॉन्च किया था। और आइडिया जो है वो हमने, जिस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, आप गल्फ में चले जाएं, आप अब्रॉड चले जाएं, किसी भी कंट्रीज़ में, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा चाह रही हैं गल्फ के अंदर जो है। तो हमारी लोकल कंपनी है, हमने भी ये आइडिया लेके आए, इसको प्रेजेंट किया कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। जिस तरीके से मुल्क, दूसरे मुल्क जो हैं वो अपनी तरक्की में आगे बढ़ रहे हैं, नई नई इन्वेंशन लेके आ रहे हैं, तो क्यों ना हम भी जो है उसमें, उस डोर में शामिल हों और हम भी पाकिस्तान को इस डोर में शामिल करके प्रेजेंट कर सकें। सबसे ज़्यादा ये बताएं कि लड़कियों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। मैम, मोस्टली गर्ल्स के लिए इतना फ़ायदेमंद है कि अगर कोई लड़की यूनिवर्सिटी से आती है और उसने कैब करनी है, कैब करने के लिए उसने नज़दीक तरीन किसी भी एरिया में अगर जाना है तो कैब वाला 150, 200, 250 चार्ज करता है। और अगर आप उसको देख इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो इसके ऊपर वही सफ़र जो है वो आपका 40, 50, 70 के अंदर, जहाँ पर कैब वाला 200 चार्ज कर रहा है वहाँ ये 70 के अंदर जा रही है। इकोनॉमिकली भी है और ईजी भी है, ईजी टू यूज़ है। यहाँ पे ये बताइएगा कि किस तरह से अगर कोई बंदा यहाँ पे 10 मिनट की राइड लेना चाहता है तो कितने चार्ज इसकी जो है पड़ते हैं। मैम, 5 रुपीज़ पर मिनट है इसके चार्जेस। फर्स्ट आपने करना होता है, अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद अपना आईडी कार्ड वेरीफाई करते हैं, आईडी कार्ड वेरीफिकेशन के बाद जो है आपकी एप्लीकेशन जो है अनलॉक हो जाती है। जब आपकी एप्लीकेशन अनलॉक होती है आप वहीं से जो है बाइक सर्च करते हैं कि बाइक कहाँ पे अवेलेबल है, वो आपके पास ग्रीन मैप के अंदर नजर आएंगे। जब आप बाइक लोकेट कर लेते हैं वो बाइक का नंबर आपको बताते हैं कि ये बाइक है, आप बाइक को अनलॉक करते हैं एप्लीकेशन से ही, तो वो बार कोड आपको कहते हैं स्कैन करें। हर बाइक के ऊपर हमारे, ये देखें, हर बाइक के ऊपर हमारे बार कोड है, आपने अपने ही मोबाइल से ये बारकोड स्कैन करना है। बारकोड स्कैन करते हैं आपके मोबाइल के ऊपर आ जाता है कि बाइक इज अनलॉक। आप बाइक को जब अनलॉक हो जाती है आप बाइक को लेके जा सकते हैं। 5 रुपये जो है वो अनलॉक करने के होते हैं बाइक और 5 रुपीज़ मिनट जो है वो आगे स्टार्ट होता है। देखा जाए तो सब जो है इजीली, स्पेशली मुझे फीमेल फ्रेंडली काफी लग रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये रोड्स पे जाहिर है जा रहे हैं, ट्रैफिक भी है, तो किस तरह से इनके साथ हम हेलमेट पहनना जरूरी है, तो आप हेलमेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं क्या?
मैम करंटली हम हेलमेट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हेलमेट इसके साथ ज़रूरी है, आप अपना हेलमेट भी ला सकते हैं। हमारा हेलमेट प्रोवाइड करने ना करने की वजह यह है कि जैसा आपको पता है कि पैंडेमिक का जो है वो सीज़न चल रहा है, अब फिर से जो है वो केसेस बढ़ रहे हैं, तो एक हेलमेट मैं यहाँ प्रोवाइड करता हूँ तो वही हेलमेट दूसरा कस्टमर यूज़ करेगा, फिर तीसरा करेगा, तो फॉर सेफ्टी रीज़न हम करंटली जो है वो हेलमेट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें उसी हेलमेट में आप सांस भी ले रहे हैं, उसमें आपका स्लाइवा भी जा रहा है, तो उस चीज़ से बचने के लिए हम जो है वो कर रहे हैं। सेकेंड वन, हमने यहाँ पर अपना जो है सैनिटाइज़ रखा हुआ है, हम कोई भी बाइक जब हम रिट्रीव करते हैं, रिट्रीव करने के बाद हम बाइक को सैनिटाइज करके फिर नेक्स्ट पर्सन को देते हैं, सैनिटाइज किए बगैर हम जो है वो बाइक आगे भी नहीं देते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त इन्होंने मेक श्योर किया है कि कोरोना से सबको बचाया जाए और प्रॉपर जो है ये बाइक जो है सैनिटाइजर इन्होंने रखा हुआ है, हर बाइक राइड करने के बाद ये प्रॉपर जो है बाइक को सैनिटाइज करते हैं। अच्छा, मेरे आपसे ये सवाल है कि अगर ये बाइक चोरी होने का खतरा या जो है अगर कोई लेके गया और ये जो है मैप पे गुम हो गया बंदा, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? नहीं मैम, ऐसा कभी भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास हर बाइक की जो है करंट लाइव लोकेशन जा रही होती है। इफ़ बाइक की क्लॉक, हमें पता होता है कि हमारा बाइक इस जगह के ऊपर इस सेक्टर के अंदर इस घर के सामने खड़ा हुआ है, तो आप दिन के आखिर में या कब कितने दिन बाद आप वो बाइक वापस अपनी डेस्टिनेशन पे वापस लाते हैं? मैम डिपेंडिंग के हमारे पास के किसने बाइक इस वक्त अवेलेबल है, देखिए जैसा मेरे पास अभी यहाँ पे 4-5 बाइक्स अवेलेबल हैं, 3-4 बाइक मेरे गए हुए हैं, तो मैं देखूंगा कि अभी कौन सा बाइक एंड है। जब बाइक को हम देखते हैं कि 10 से 15 मिनट जो है बाइक नेक्स्ट क्लाइंट नहीं लेके गया, तो हम उस बाइक को रिट्रीव कर लेते हैं। विद इन 10 to 15 मिनट जो है ब्रेक के बाद हम बाइक को रिट्रीव कर लेते हैं। जैसे आप लेके गए हैं बाइक और आपने जाके बाइक राइड एंड कर दिया, तो हम देखते हैं 10-15 मिनट के अंदर अगर कोई नेक्स्ट क्लाइंट नहीं लेके जा रहा, तो हमारी टीम जो है उसको जाकर रिट्रीव कर लेती है। तो जनाब, मैंने जो है ये बाइक चला के देख ली, तो निहायत ही कम्फर्टेबल है और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहीं मार्केट में रुकना है या मैंने कोई काम करना है और छोटी सी मुझे जो है कोई काम है, तो हम फिर जो है अपनी एप्लीकेशन पर जाएंगे और हम फिर पॉज जो है राइड का यहाँ पे बटन दबाएंगे। वो कह रहे हैं कि आप पॉज करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं जी हाँ हम पॉज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे फिर हम अपनी जो है इसको बाइक को यहाँ पे पॉज करके अपना कोई भी काम वो कर सकते हैं, और उसके बाद हम जब अगर हमारा काम होने के बाद हम वापस को रिज्यूम बाइक करेंगे, तो कहेंगे आप रिज्यूम करना चाहते हैं, तो फिर हमारी जो है राइड दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से हम राइड की बुकिंग कर सकते हैं। तो जब हमने अगर अपने राइड को एंड करना है, तो हम फिर एंड राइड पे करेंगे और वो कंफर्मेशन मांग रही, तो ओके फ्रॉम अस, ओके फिर आपने इसको रेट करना है, तो हम इसको 5 स्टार देते हैं। बाइक ऑटोमेटिक, तो बाइक यहाँ पे ऑटोमेटिकली लॉक हो चुकी है, और फिर हमारा जो बिल बना है 63 रुपीज़, और जिसमें 63 रुपीज़ में हमने जो है 12 मिनट का अपना सफ़र किया है, और इसमें वेट की चार्जेस सारे चार्जेस यहाँ पे हैं। अगर कोई मसला आ जाता है या टेक्निकल फॉल्ट, तो यहाँ पे आप जो है कोई रिपोर्ट या प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये बाइक हम सब की सहूलत के लिए बना है, स्पेशली फीमेल जो कि अगर आप स्कूटर अफोर्ड नहीं कर सकती या आपको जो है अपनी आमदोरफ़्त के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो ये इजी बाइक आपकी तमाम मुश्किलात का आसान सोल्यूशन लेके आया है। करंटली ये G9 और G8 में काम कर रहे हैं, और लेकिन अनकरीब ये तमाम इस्लामाबाद रावलपिंडी में अपने तमाम बाइक्स का जो है एक पूरा जाल बिछा देंगे। तो उम्मीद है, हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं इजी बाइक वालों को, और आप भी ज़रूर जो है बाइक यूज़ करें, प्लस ये जो है वीडियो अपने फ्रेंड्स फैमिली सबको दिखाएं, ताकि उनकी ज़िंदगी भी आसान हो जाए। बस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत।